हेलो भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। और गाइस, आज की वीडियो में हम एक एलईडी बल्ब को ऑटोमेटिक बनाएंगे, यानी ये बल्ब दिन में तो अपने आप बंद हो जाएगा और रात को अपने आप ये चालू हो जाएगा, आपको बटन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाइयों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने एक वीडियो एलईडी बल्ब का और बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि एलईडी बल्ब को आप रिपेयर कैसे कर सकते हो और इसे घर पे ही नया कैसे बना सकते हो। तो उस वीडियो का यहां पर थंबनेल आप देख सकते हैं, ये रहा, और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा। तो भाइयों, उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। और अब चलिए इस बल्ब को ऑटोमेटिक बना लेते हैं, तो चलिए वीडियो में मिलते हैं। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाइयों, इस बल्ब को ऑटोमेटिक बनाने के लिए बस हमें तीन कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पर है। तो सबसे पहले हमें एक रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास 150 किलो ओम का है, और उसके बाद यहाँ पर एक एलडीआर चाहिएगा हमें, और एक हमें यहाँ पर ट्रांजिस्टर चाहिएगा जिसकी वैल्यू है BD-139। ठीक है भाइयों, बस यही तीन कंपोनेंट चाहिए। तो अब चलिए इस बल्ब की हम कैप उतार देते हैं। ये तो इसे आप थोड़ी सी ताकत से उतार सकते हो, कुछ इस तरीके से। देखिए, मैंने उतार दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नया बल्ब है। इसे मैं आपको चलिए टेस्ट करके दिखा दूँ। तो देखिए, होल्डर लगा रखा है मैंने, तो इस प्रकार से देखिए मैं टेस्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, तो गाइस इस प्रकार से ये बिल्कुल नया बल्ब है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर आपको दो वायर दिख रहे हैं, देखिए एक माइनस का है और एक प्लस का है, ठीक है। और अब चलिए यहाँ पर आयरन की मदद से इसका माइनस वाला वायर हटा लेते हैं। तो ये देखिए मैं हटा रहा हूँ। तो भाइयों देख सकते हैं, हमने माइनस वाला वायर को हटा दिया है और अब हमारे पास ये 139 एक ट्रांजिस्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो भाइयों, सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर की मैं लैग को मोड़ लेता हूँ, जिससे हमें कनेक्शन करने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए, मैंने दोनों लैग को मोड़ दिया है और अब आसानी से कनेक्शन हमारे हो जाएंगे। तो चलिए भाइयों, बीच वाली लैग को ट्रांजिस्टर की यहाँ पर, जहाँ पर हमने माइनस वाला वायर हटाया, यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैंने बीच वाली लैग को यहाँ पर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और भाइयों, अब इसकी जो पहली वाली लैग है, तो ये हमें माइनस वाले वायर से यहाँ पर लगानी है। ये देखिए माइनस वाला वायर, तो चलिए इस लैग को यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस लैग को मैं थोड़ा सा दोबारा से ऐसे ही मोड़ देता हूँ। तो भाइयों देख सकते हैं, ये लैग मैंने यहाँ पर मोड़ दी है और अब चलिए इसका माइनस वाला वायर को यहाँ पर इस लैग के साथ में लगा देते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखिए, तो भाइयों देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहली वाली लैग को इसके माइनस वाले वायर से लगा दिया है और कोई भी वायर आपस में टच नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल अलग है ये दोनों वायर। और भाइयों, अब मेरे पास यहाँ पर 150 के का रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर का एक लैग तो मैं प्लस पॉइंट पर लगाऊंगा यहाँ पर, और दूसरे वाला लैग है जो, तो ये मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर के इस लैग पे लगा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको लगा देते हैं, ठीक है भाइयों। और अब हमारे पास ये एलडीआर बचा, तो इस एलडीआर को भी हमें लगाना है। तो मैं ट्रांजिस्टर की पहली लैग पे इसको यहाँ पर एक लैग लगा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से, और दूसरी लैग में लगा रहा हूँ ट्रांजिस्टर के आखिरी वाली लैग पे, यहाँ पर जहाँ पर हमने रजिस्टर लगाया था, ठीक है। ठीक है भाइयों, तो तीनों कंपोनेंट हमने यहाँ पर लगा दिए हैं और सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए इसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ इस तरीके से, और एलडीआर को मैं यहाँ पर इस तरीके से रख दे रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कोई भी तार आपस में टच नहीं है। और चलिए अब इसकी ऊपर वाली कैप जो है उसको बंद कर देते हैं, और कैप ये रही, तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बंद करूँगा। ये देखिए, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर कट करना पड़ेगा जिससे कि हमारा एलडीआर आसानी से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक कट लगा देता हूँ मैं इस कैप के अंदर। और भाइयों, कट करने के लिए हमारे पास ये ब्लेड है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कट लगा देंगे यहाँ पर। चलिए लगा लेते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाएगा, ये देखिए। तो भाइयों देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कट कर दिया है, और अब चलिए ये जो हमारा सर्किट है, तो ये कैप इसके ऊपर हम यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ से जहाँ हमने कट किया है वहाँ से एलडीआर हमारा बाहर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर लग गया है, ये देखिए भाइयों। और यहाँ पर एलडीआर भी हमारा साफ चमक रहा है, देखिए बाहर। तो चलिए भाइयों, अब इस बल्ब को मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास ये देखिए एक्सटेंशन बोर्ड है, और यहाँ पर होल्डर मैंने लगा रखा है, ये देखिए। तो चलिए अब मैं दोबारा से आपको इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो चलिए भाइयों, इस बल्ब को यहाँ पर मैं होल्डर में लगा देता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए, मैंने बहुत आसानी से लगा दिया है होल्डर में, और इसको मैं एक्सटेंशन बोर्ड को कुछ इस प्रकार से कर देता हूँ। तो देख सकते हैं भाइयों, हल्की हल्की एलडीआर पे रोशनी पड़ रही है, इसलिए ये फ्लैशिंग की तरह जल रहा है। तो जब इस पे एलडीआर पे पूरा अंधेरा हो जाएगा तो तब ये बढ़िया जलेगा। और अब चलिए इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूँ। तो ये देखिए, मेरे पास एक पावर बैंक है जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, और यहाँ पर एक लाइट है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा देता हूँ, और ये एलडीआर के ऊपर मैं जब रोशनी करूँगा ना, तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। ये देखिए, मैं रोशनी मैंने जला दी है, और देखिए करने जा रहा हूँ। ये देखिए भाइयों, जैसे मैंने रोशनी करी एलडीआर पे, तो यहाँ पर ये बंद हो गया बल्ब। ये देखिए, मैं हटा रहा हूँ रोशनी, ये देखिए जल गया। और देखिए, मैं रोशनी हटाता हूँ तो ये तुरंत जल जाता है, ये देखिए। अब मैंने रोशनी कर दी है तो ये बंद हो गया। तो यानी भाइयों, ये देखिए इस प्रकार से। तो यानी भाइयों, जब एलडीआर पे रोशनी आएगी तो ये बल्ब को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, ये देखिए। और जब जैसे इस पे अंधेरा होगा एलडीआर पे, तो ये बल्ब को तुरंत चालू कर देगा, ये देखिए।
ठीक है। तो इस प्रकार से भाइयों ये फंक्शन करता है और बहुत रिलायबल है, मतलब एकदम यूजफुल गैजेट है, ठीक है। और सर्किट आपका ओरिजिनल है, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, तो कैसे भी आप इसे यूज करिए। तो भाइयों इस प्रकार से आप एक एलईडी बल्ब को ऑटोमेटिक बना सकते हैं, दिन में तो ये अपने आप बंद हो जाएगा और रात में अपने आप ये चालू हो जाएगा, ठीक है भाइयों। तो भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही था, आशा करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और एक लाइक आप जरूर करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए ट्यूटोरियल के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।